मुरली अमृत की धारा है धारा, मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 21 नवंबर 2024। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने मन वशीकरण मंत्र की स्मृति दिलाते हुए कहा कि बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ना सिखलाते हैं, तुम टीचर बाप से पढ़कर दूसरों को टीच करते हो, रास्ता बताते हो। मन वशीकरण मंत्र मन मनाभव का, और विशेष कहा कि तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई गुरु नहीं बनते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं। और विशेष याद के लिए कहा कि बाप सर्वशक्तिमान है, बाबा फरमान करते हैं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुमको इतनी शक्ति मिलेंगी जो तुम सारे विश्व पर राज्य कर सकते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। फिर कहा, बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तो बाबा कहते हे बच्चों, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़, मुझ एक बाप को याद करने से तुम पावन बन अपने मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। और साथ में कहा कि जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। फिर साथ में कहा कि धंधा आदि भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते हैं, अब बाप यह रूहानी धंधा देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादिया थे, हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे विश्व के मालिक थे, अभी फिर से हम पद्मा पदम साहूकार बनते हैं। और उसका आधार बताया पवित्रता। फिर मनन चिंतन के लिए कहा कि जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता है, तुम बच्चों को भी बाबा कहते हैं ज्ञान की बातों का खूब विचार सागर मंथन करो। फिर बहुत विशेष बात कही कि बाबा समझाते तो हैं, फिर बच्चों को अंतर्मुख हो, अपने को देखना है हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, बाबा से इतनी दिल लग जाए जो दुनिया की कोई भी बात याद न आ जाए। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है, यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, बाप किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। उत्तर में बाबा कहे, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे मैं किसी को साहूकार बनाऊं, यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे, यह तो सब बच्चों को पक्का बुद्धि में है कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुम फिर औरों को सिखाते हो, तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं, सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनते हैं। तुम सबको टीच अर्थात पढ़ा करके रास्ता बताते रहते हैं मन मनाभव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि तुम मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना।
टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े, बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाए। बाप ही पतित पावन है, युक्ति बताते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं, गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते, पानी से कैसे पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन, फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। बाबा कहते पावन बनने का यह उपाय है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझेंगे, तब आत्मा पावन बनकर वापस अपने घर जाएंगे। बाबा कहे सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस ब्रह्मा मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौ मुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तुम जानते हो यह ब्रह्मा बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुमको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाबा भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उनकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं, वैसे वह परम आत्मा है, शक्ल में और कोई फर्क नहीं। बाबा कहे कितना सरल है, जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं परम आत्मा हूँ। रूप दोनों का समान है, शरीर के पिता का रूप तो फिर भी डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ आत्मा और परमात्मा का रूप समान है। बाबा कहे शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परम आत्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाबा परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, यह ज्ञान और कोई को है नहीं। तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी है, पत्थर ठिकर में है, जिसको जो आता वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे, गोया निधन के हो गए। धनी भगवान मालिक को याद नहीं करते हैं, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते। बाबा कहे जब बाप को भूल गए हैं तो निधन के हो गए हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है कि आत्मा का पिता कौन है। बाबा कहे अपने को भी भूल जाते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा को तो भूले हुए हैं, लेकिन मुख्य मूल बात है अपने को ही भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। अब रियलाइज कौन करावे। बाबा कहे अब रियलाइज कौन करावे। कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमोप्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया हम आत्मा। इतना समय अपने बाप की ग्लानी करते आए हैं, ग्लानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ,
कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ, बाप युक्ति बताते हैं कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। बाबा कहते और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, कितना सहज है, कहीं भी जाओ चलते फिरते काम काज करते हुए मुझे याद करते रहो। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं, बस और कोई तरफ का विचार नहीं आना चाहिए। बाबा कहे याद में इतनी एकाग्रता रहे कि और कोई विचार न आए, यह तो मोस्ट ईजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, याद क्यों करना पड़ता है। बाबा कहते याद क्यों करना पड़ता है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि याद भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है, एक सेकेंड में जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। अंडरलाइन, बाबा कहते जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना जीवन मुक्ति में ऊंची प्राप्ति होगी, और मुक्ति का आधार है याद, जितना याद करेंगे उतना मुक्ति में श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करेंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते, धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना, तो अब बाप यह रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। बाबा कहे तुम्हारा रूहानी धंधा कौन सा है, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है, यह पुराना चोला पुराना शरीर है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, अर्थात बुद्धि में सारे ज्ञान का सार सदा रहे, और वो सार कौन सा है, एक बाप को याद करना, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा, उन्हों का पहले राज्य था इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, भल कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं, गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा जरूर कहेंगी ना हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम राजा स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छुड़ाकर साल्वेंट बनते हैं, फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं है। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं, अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है गाते हैं ना, बाबा कहते भारत के लिए दोनों बातें गाते हैं ना, एक तरफ तो गाते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, और दूसरी ओर गाते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादिया थे, यह याद रहता है, हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं, रिजल्ट क्या हुई है, बाबा कहते रिजल्ट क्या हुई है, तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया, तो कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था, एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते, तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे, वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं, सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता,
जो गीत गाते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमा भी पा लिया। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथा धन रहता है, कितने हीरे जवाहर थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं, अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है, तुम फर्क देखते हो ना, तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना, बाप तो एवर पूज्य है, वह कभी पुजारी तो होते नहीं, उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना, रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना, यह दुनिया में किसी को पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो, रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है किसी को चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए, बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, उन्हों का पार्ट ऐसा है, वह कभी ठहर न सके, धनवान को अहंकार तो बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, यह यह हमको है, घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, यह अपने पास रखो, बाबा कहे अहंकार वश अगर कोई ऐसे करते हैं तो बाबा मना करते हैं, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है, तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व न लेना, बाबा पैसा क्या करेंगे, दरकार नहीं, यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है, बाबा कहते जो भी बनता है सब बच्चों के लिए है, आते हैं बाबा से मिलने के लिए, रहते हैं और फिर चले जाते हैं, पैसे की क्या दरकार रहेंगी, कोई लश्कर व तोप आदि तो नहीं चाहिए, तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के, बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेंगी जो तुम विश्व पर राज्य कर सकेंगे, अंडरलाइन बाबा ने फरमान किया है अगर तुम मुझे याद करो तो तुमको इतनी शक्ति मिलेंगी जो तुम विश्व पर राज्य कर सकेंगे, यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार याद की यात्रा पर है, यहाँ तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है, जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है अर्थात जुगाली करती है, मुख चलता ही रहता है, तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो, बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे गाय खाना खाकर जुगाली करती है उगारती रहती है, ऐसे तुम बच्चों को ज्ञान सुनकर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है, स्वयं भी समझे और फिर दूसरों को समझाए, बाबा से हम क्या पूछे, बाबा तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो, यह एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है, यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए, कोई की ग्लानी व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए, नंबर वन है यह देवी देवताएं, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, किसको मारना यह हिंसा हुई ना, बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो, अपने को देखना है हम कैसे बने हैं, बाबा को हम याद करते हैं कितना समय याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए जो याद कभी भूले नहीं, अंडरलाइन बाबा कहे इतनी बाबा से दिल लग जाए, इतनी एकाग्रता बन जाए जो बाबा की याद कभी भूले नहीं, अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो, वह जो आशिक माशुक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद, जैसे साक्षात्कार होते हैं फिर गुम हो जाते हैं वैसे वह भी सामने आ जाते हैं, उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं, तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है, एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा, विनाश का साक्षात्कार भी होगा, आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा,
फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो, बाप ने यह सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है, योग बल से सब पापों को भस्म करना है। इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है, घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह बड़ी महीन चीज़ें हैं। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सब इस समय के हैं, संगम समय के। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा कहते हैं भ्रमरी कमाल करती है, लेकिन तुम्हारी कमाल उससे भी जास्ती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भू भू करते रहो, आखिरन जाग जाएंगे। जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है, मनन चिंतन करना है, अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। दूसरा पॉइंट, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना, व्रत रखना अर्थात स्थूल चीज से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना, तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए, इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। आज बाबा ने महान आत्मा बनने का आधार बताया पवित्रता। जितनी पवित्रता है उतनी ही महानता है। और बाबा कहे पवित्रता को ऐसे धारण करना है जैसे एक व्रत लेते हैं, जो व्रत होता है वह वृत्ति में आता है और वृत्ति से फिर स्थिति बनती है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। आज 21 नवंबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। ध्यान रहे कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग न कर दे। आज बाबा ने सफलता का मंत्र दिया कि सदा स्मरती रहे कि मेरे अकेले की सेवा नहीं है, कंबाइंड सेवा है। परिवार में कंबाइंड होकर सेवा करने से व विचारों को मिलाकर सेवा करने से कभी भी सेवा में डिस्टर्ब नहीं होंगे, कभी मूड ऑफ नहीं होंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।